सर सबसे पहले आपका स्वागत है। कैसे देख रहे हैं सर मणिपुर की घटना को लेकर के? सबसे पहले सवाल मेरा यही रहेगा मानवता के नाते कि आप सर कैसे देख रहे हैं इस पूरी घटना को लेकर के जब से ये वीडियो वायरल हुआ है? पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ और पूरे देश के लोगों को आप लोगों के माध्यम से नमस्कार कर रहा हूँ। इस घटना में ध्यान रखना कि 4-5 स्टेप से केस हुआ है। आपने सिर्फ पार्लियामेंट को ही कंसीडर किया है, सीजीआई ने कंसीडर कर लिया है, वहाँ के मणिपुर के गवर्नर ने कंसीडर किया है और इसके साथ में ही मणिपुर के एमएलएस बीजेपी के एमएलए से जो उस रिलीजन और रेस से रिलेटेड होंगे उन लोगों ने भी कंसीडर कर लिया है। सब लोगों पर मैं एक एक करके बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं आ रहा हूँ कि सीजीआई के सुमोटो पर, जो आपने वीडियोज़ की बात की है, वीडियोज़ में एक न्यूड लड़की को लेकर के घुमाया गया और उसके साथ में जिसके दरिंदगी की गई है, वो देश में पूरा शर्मनाक है और पूरे देश के लोगों के लिए वो शर्मसार करी, पूरे विश्व में भारत देश की छवि खराब हुई है। इसको लेकर के सीजीआई ने उस वीडियोस को देखा और उसके साथ में उन्होंने सीधा इशुमोटो लेकर के तुषार मेहता जी, जो हमारे लंडन ब्रदर काउंसिल है गवर्नमेंट की तरफ से, उनको बुलाया गया और उसके साथ में और भी जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं सबको सीधा डायरेक्शन दिया कि अभी तक स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, सेंट्रल क्या कर रहा है। यदि आपसे ये चीज़ें नहीं संभल रही हैं तो आप इसको संभालिए, नहीं तो मैं इस पर एक्शन लूँगा। ये घटना 20 तारीख की है और उन्होंने 28 तारीख तक के लिए इनको सीधा जो भी आप इसमें स्टेट एक्शंस ले सकते हैं वो लीजिए और उसके साथ में आप 28 तारीख तक एक्शन नहीं ले रहे हैं तो उसमें एक्शन हम लेंगे, ये सीजीआई के स्टेटमेंट हो गए। एक तरफ हुआ, दूसरा आ रहा है। पर इसके साथ में जैसे ही सीजीआई का स्टेटमेंट आया, इसके साथ में भारत देश में, पूरे भारत में प्रधानमंत्री बाहर निकल के आ गए। आपने देखा होगा कि जो और विभिन्न उनके केंद्रीय मंत्री मिनिस्टर्स हैं वो सारे लोग आ गए। प्रधानमंत्री ने बोला कि हमारा दिल बहुत भरा भर गया है, भारत देश का जो इमेज है वो पूरे वर्ल्ड लेवल में ख़राब हो रही है। ये सारे शब्दों के साथ में आए, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, पर ये मैं 2-3 प्रश्न भी मेरे हैं इनके साथ, प्रधानमंत्री के साथ में, कि आपको रोका किसने है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे? क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर दो, आपको जब किसी ने रोका है, बीजेपी की गवर्नमेंट वहाँ भी है, बीजेपी की गवर्नमेंट सेंट्रल में भी है, इसके साथ में आपका राज्यपाल भी है, तो आपको फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी आपके साथ में, पॉलिटिकल एजेंडाज भी आपके साथ में, पॉलिटिकल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो भी आपके साथ में है, तो आपको किसने रोका हुआ है? फिर तीसरी चौथी चीज़ आ रही है, जो आप एनडीए अलायंस के साथ में हैं तो इसका मतलब बीजेपी तो खुल भी मेजोरिटी में है राज्यसभा और इस समय पर लोकसभा में, तो आपको किसी ने और भी नहीं, कोई स्पेशल लॉ आप लेना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो आपको तो ऐसी चीज़ों में आना चाहिए। पर आप बार बार क्या कहते हैं कि कभी कहते हैं कि वेस्ट बंगाल में चीज़ें आ रही हैं, कभी मणिपुर का नाम ले रहे हैं, और भी राज्यों का नाम ले रहे, तो आप सारी सरकारों को बर्खास्त क्यों नहीं कर देते हैं? बिकॉज यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, यू हैव द ऑल टाइप्स ऑफ द राइट्स एंड जुडिक्शंस ऑल्सो थ्रू आप द प्रेसिडेंट, थ्रू आप द गवर्नर, आप सीधा एक्शन लीजिए, क्योंकि केंद्र में जिसकी गवर्नमेंट होती है उसी के नेतृत्व में उसी का गवर्नर, लगभग गवर्नर उन्हीं पार्टीज का स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिप्रेजेंट करता है, तो आप उसके थ्रू करा लीजिए। आपको ये कहने के लिए कि मणिपुर में ये हो रहा है, वेस्ट बंगाल में ये हो रहा है और राज्यों में ये हो रहा है, तो आप ये कहते क्यों हैं? आप सीधा एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या करने के लिए आप आए हैं? अब बात में दूसरे पहलू पर आ रहा हूँ, अब मैं बात कर रहा हूँ गवर्नर की। गवर्नर ने मीडिया के सामने आ करके, किसी मीडिया न्यूज़ चैनल के सामने अपना इंटरव्यू दिया, उन्होंने सारी चीज़ों के बारे में बोला कि मैंने सारे बातों को देश के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मैंने हर चीज़ों को बता दिया है और ऐसी ऐसी घटनाओं को लेकर के कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, या एक दर्दनाक घटना वीडियो में आ गई इसलिए आपको लग रहा है, ऐसी वहाँ पर हज़ारों घटनाएँ हो रही हैं, नहीं हज़ारों है तो गिनतियों में अनकाउंटेबल हैं, तो ऐसी चीज़ों को लेकर के हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी मदद नहीं कर रही है, कुछ भी ऐसा एक्शंस नहीं ले पाई है। गवर्नर स्टेटमेंट खुद दे रहा है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एक्शंस नहीं ले पाई है, तो आपने गवर्नर थे तो गवर्नर भी तो कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता है, गवर्नर के भी तो कुछ राइट्स हैं स्टेट में। अब आ रही है इसके बाद में, मैं अब इसको कदम उठाने के लिए पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए, पार्लियामेंट में चर्चा होने के लिए प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए। प्रधानमंत्री सामने आते नहीं, वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को बैठा देते हैं, इर्द गिर्द के लोगों से हर चीजों का जवाब नहीं हो सकता है। यदि आप घर के मुखिया हैं तो आपको आना चाहिए सामने, पार्लियामेंट का उद्घाटन करना होता है तो राष्ट्रपति करना है तो आप आ जाते हो, और कहीं पर मेन आपको ब्रांडिंग करने हैं तो आप आ जाते हो, पर आप प्रश्न से क्यों भाग रहे हो?
लेकिन सवाल यहाँ पर सर ये भी किया जा रहा है कि आखिर इतने दिनों के बाद अगर ये सब वीडियो अभी फ़िलहाल में वायरल हुई है वीडियो, लेकिन ये घटना जो है करीब 4 तारीख की बताई जा रही, 4 मई की बताई जा रही थी, और इसके और आज के समय में देखा जाए तो अच्छा खासा एक डिफरेंस है। तो सर सवाल यहाँ पर ये है कि इतने दिनों तक क्या सरकार को इस बात की भनक तक नहीं है कि ये सब चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं, उसके बाद फिर आते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और फिर ये चीज़ों का जिक्र करते हैं, बोलते हैं कि मेरा हृदय पीड़ा से दुख उठा पर उठा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न पूछा मुझसे। ये घटना 4 मई के लगभग आसपास से शुरू हो रही है, 4 मई को या उसके आसपास, मई के महीने कितना मुझे पता है, FIR हुआ है, उसके बाद पुलिस को उसमें कंजरेबल ऑफेंस लगे हैं, तो कंजरेबल ऑफेंस में तो आपको पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, तब चीज़ें और थी, आपने पुलिस ने कंट्रोल नहीं किया वो धीरे धीरे वीडियोज़। पहले तो नॉर्मल तरीके से, मणिपुर बहुत बड़ा राज्य तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या भारत देश के बहुत बड़े राज्यों में उसकी काउंटिंग है, वो तो बहुत छोटा सा राज्य है, वहाँ पर 2-3 तरह की रेस पाई जाती हैं, एक लोकल रेस है, एक उसमें क्रिश्चियन रेस है और इसके साथ में कुछ मुस्लिम है, उन्हीं दोनों रेसों के बीच का विवाद डिस्प्यूट इन्होंने शुरू कर दिया है। जैसा कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि क्रिश्चियन का लोकल लेवल पर जो मणिपुर के लोग हैं उनसे विवाद चल रहा है, ऐसा है। अब इसमें प्रधानमंत्री के पास बहुत पहले से आ गई बातें, इसके साथ में चीफ मिनिस्टर के पास आ गई होंगी, होम मिनिस्टर के पास आ गई होंगी थ्रू चैनल्स। जब 2 महीने हो गए, 2 महीने में भी आपने कौन सा एक्शन ले लिया है? CGI ने शुरू मोटो लिया, उसके बाद भी आपने क्या कर लिया है? FIR कर लिया है, उसके बाद क्या किया? आपको तो सीधा वहाँ के चीफ मिनिस्टर को सस्पेंड कर देना चाहिए, कि उसको लॉ एंड ऑर्डर का जब एक्नॉलेज नहीं है तो हाउ कैन यू डू रेगुलेट दिस स्टेट थ्रू आप एलिगेशन अगेंस्ट देयर कि देयर इज नो एनी हैविंग एनी काइंड्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन नॉलेज, है ना प्लीज। लेकिन सर सवाल इस पे भी यही पूछा जा रहा है कि इतने दिनों तक ये सब चीज़ें चल रही हैं, करीब 2-2.5 महीने का वक्त निकल चुका है मणिपुर घटना को लेकर के, लगातार तरह तरह की तस्वीरें आ रही हैं, तमाम बड़े नेता जो इसके चर्चाएं कर रहे हैं कि अगर नहीं बस गया तो राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। देखिए आपने, मैं आपको, मैंने पहले प्रश्न के जवाब में शुरुआत में ही 5 लोगों को मैंने नाम ले लिया था, पहला ये कि CGI, दूसरा गवर्नर, तीसरा BJP के MLAs और चौथा पार्लियामेंट, मैंने चारों चीज़ों को कंक्लूड कर दिया था। पर आपने एक चीज़ को नहीं देखा, आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोगों को हर चीज़ें पता है, आप UP का हाथरस देख लीजिए, आप इसके साथ में UP का उन्नाव वाला केस देख लीजिए, आप इसके साथ में UP में वो जो वहाँ का स्टेट होम मिनिस्टर था मिश्रा टोनी, जो किसानों को लेकर के था, आप उसको देख लीजिए, मध्य प्रदेश की घटना देख लीजिए कि सरेआम एक आदमी जो है तो एक किसी दलित के ऊपर वो कर रहा है, वो टॉयलेट कर रहा है, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी पीड़ा और दर्दनाक घटनाएं हैं। प्रधानमंत्री किसी के ऊपर आज तक कोई भी ऑफेंस का जो भी है उसके ऊपर कोई टेकन एक्शन नहीं लिया है, तो ये कोई टेकन एक्शन अभी मुझे नहीं लग रहा है कोई लेने के मूड में दिख रहे हैं, ये सिर्फ और चर्चा खूब चलाएंगे, चर्चा तो रोज चलाएंगे, चर्चा में बहुत माहिर हैं, और जहाँ कुछ और चीज़ें आएंगी वहाँ मीडिया में थोड़ा दिख जाएंगे और अपनी चीज़ों को शो अप करेंगे। पर यह है कि अभी कोई भी ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएँ जब 2 महीने से चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 28 तारीख तक आप करते हैं या मैं करूँगा, आपसे नहीं संभाल रहा है तो मैं संभालूंगा, फिर तो हो सकता है कि 28 तारीख के पहले ये कुछ ऐसी ही FIR वगैरह दिखा दे, कुछ लोगों को डिटेन भी कर सकते हैं, ये दिखाने का एक तरीका है। पर इस स्थिति से मैं देख रहा हूं कि 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया है, उसके बाद वहां की घटना और ज़्यादा बढ़ गई है, अभी मुझे नहीं लग रहा है कि वहां कुछ भी कंट्रोल हो पा रही चीज़ें इनसे, तो इनको तो इमीडिएट 28 के पहले या विद इन अ मिनट जब जैसी चीज़ें आई हैं इनको तुरंत ही चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा ले लेना चाहिए। रास्ता क्या बचा है सर, किस तरीके से उल्टेगा, क्या है वो रास्ते, क्या बचे? देखिए अब हमारे पास सिर्फ 3 रास्ते हैं, एक CGI का रास्ता बचा है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में गवर्नर रूलिंग का बचा है, और इसके साथ में आर्मी के साथ में ही जो होगा तो होगा। अब मैं आ रहा हूँ पहली पॉइंट पर, CGI ने सू मोटो लिया है तो लॉ एंड ऑर्डर के बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट के पास पूरे राइट्स दिए गए हैं कि किसी भी स्टेट की सरकार को बर्खास्त कर सकता है इमीडिएट लॉ एंड ऑर्डर्स के आधार पर, और वहाँ पर गवर्नर रूल्स लगा सकता है। पहला रास्ता ये हो गया CGI के थ्रू, दूसरा आ रहा है रास्ता प्रेसिडेंट पावर से, प्रेसिडेंट भी डायरेक्ट जो है गवर्नर्स के थ्रू डायरेक्ट वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है स्टेट में, ये हो गया दूसरा। पर जितने भी दोनों रास्ते हैं ये दोनों के दोनों रास्ते ही थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन ही काम करेंगे, थ्रू गवर्नर ही काम करेंगे, और इसके साथ में जो वहाँ पर आर्मी, हम कहते हैं कि आर्मी का हमने रूल्स लागू कर दिया है तो आर्मी के थ्रू ही होगा, ये दोनों रास्ते इनके लिए लागू रहेंगे, और साथ में चीफ मिनिस्टर के पावर्स को शून्य कर दिया जाएगा या उसको हटा दिया जाएगा।
तो सर इन्हीं हालातों में राष्ट्रपति शासन लगता है या फिर कुछ और भी? नहीं नहीं, यही रास्ते होते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा दिए जाते हैं। अब उसको कितना वजनदारी आप दे रहे हैं, प्रधानमंत्री तो मुझे लग नहीं रहा कि कुछ कर रहे हैं अभी इस पर। मीटिंगें आप बता रहे हैं कि मीटिंगें हो रही हैं, पर मीटिंगों में अभी कुछ आउटपुट ऐसा निकला नहीं है। वो तो सुमोटो होने के बाद में कुछ लोगों के नाम पर FIR बढ़े हैं और साथ में कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, पर अभी वैसा कुछ फिजिकली ग्राउंड में कुछ ऐसा दिखता नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि और भी घटनाएं मैंने न्यूज़ों में देखा है, कल भी देखा है, परसों भी देखा है, बढ़ी हैं। सर आपके मन में क्या कुछ चला जब ऐसी वीडियो? मेरे खुद के व्यक्तिगत बयान पूछना चाहते हैं, व्यक्तिगत मैं बात बोल रहा हूँ। ऐसे चीफ मिनिस्टर को मैं एक सेकंड बैठने नहीं देना चाहता हूँ। दूसरी चीज़, एक मिनट में जिन लोगों ने ऐसी घटनाओं को उकसाया है, कुछ लोगों ने बताया है कि कुछ किसी विशेष पार्टी के लोग उसमें जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के ऊपर तुरंत FIR हो, तुरंत एक्शन लिया जाए और साथ में साथ उसमें राष्ट्रपति शासन लगा देता। लेकिन मोदी जी का ये कहना है कि ऐसे मसले पर, ऐसे मामले पर राजनीति से उठ कर के काम करना चाहिए। राजनीति से उठ के करो ना, आप कौन मना कर रहा है? किसी ने मना किया है आपके पास? आप तो फुल मेजोरिटी में हैं, आप किसी की सुन कहाँ रहे हैं? राजनीति से उठ करके आइए ना, आप पार्लियामेंट में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं? इसी में तो सारे प्रतिपक्ष पूरा बैठा हुआ है, इंडिया अलायंस जो बना हुआ है इसी को लेकर के तो वो डिबेट करना चाहता है। पर अब आप कहाँ आ रहे हैं? आप तो दुनिया भर की बातें कर रहे हैं कि हमें चर्चा नहीं करने दिए, हमारा काम रोक दिया गया। आप आओ मेन इशूज़ पर बात करो, कौन आपको मना किया है? आप पार्लियामेंट में एक भी दिन जवाब कहाँ देना चाहते हैं? आप आएंगे, दूसरे का मजाक करेंगे, दूसरे का इधर उधर की बातें करेंगे और घुमा के चले जाएंगे। जब CGI ने ऐसा सुमोटो लिया था तो आप मीडिया के सामने आए, तो आपने क्यों नहीं बोल दिया कि तुरंत ही चीफ मिनिस्टर के ऊपर जो भी कार्रवाई हो तुरंत, या उसको राष्ट्रपति शासन के लिए हम अभी रिक्वेस्ट करेंगे थ्रू प्रेसिडेंट? आपको बोलना चाहिए ना, आपने क्यों नहीं बोला? आप तो बोल रहे हैं कि हम मीटिंग करेंगे, हम ये करेंगे, हम बात करने से कुछ नहीं होगा, आप काम करके दिखाइए। ये सरकार की फेल्यूर है। एग्जैक्टली 100%। सर केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है। मैंने फर्स्ट टाइम ऑलरेडी आई टोल्ड यू फर्स्ट टाइम से कि दिस इज द स्टेट गवर्नमेंट फेल्यूर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट मीन एंड सेकंड इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों का फेल हो रहा। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे मणिपुर मामले को लेकर के। फिलहाल सदन, दोनों सदनों के अंदर चर्चाएं की जानी हैं और आज जो देखने को मिला कि सदन के बाहर सभी विपक्षी नेता लगातार इसको लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं कि आखिर मोदी सरकार इस मसले को लेकर चर्चा क्यों नहीं करना चाहती है, आखिर इस मसले पर चर्चा करने से भाग क्यों रही है। तमाम तरीके की जो है बात विचारें चल रही हैं, क्या इस पर एक्शन लेने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल दीजिए, देखते रहिए। धन्यवाद।